हेलो गाइस, मेरा नाम अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिक्योर टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली आपको बताया, मैं इस चैनल में टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आज मैं एक जनरल टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, वैसे वो भी एक टैक्स से रिलेटेड ही वीडियो है। मोस्टली मुझसे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ कोई कुछ अर्निंग करना चाहते हैं या कोई छोटी मोटी जॉब करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी हाल फिलहाल में ट्वेल्थ कर रहे हैं या ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और आपको पता ही है, आजकल हर काम में, चाहे आप कोई से भी काम करने जाओ, कोई जॉब करने जाइए आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर का यूज़ मिलेगा, वहाँ पर इंटरनेट का यूज़ होता हुआ मिलेगा। तो देखो, सबके माइंड में क्वेश्चन ये आता है और सब इसको लेके कंफ्यूज भी हैं कि हमें ट्वेल्व करने के बाद अगर हम कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो क्या करें। और क्वेश्चन भी बनता है, जहाज जा रहा था ऊपर से, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो बेसिकली सभी ये बताते हैं कि आप बेसिक कंप्यूटर बेसिक कोर्स करें। हाँ, वो भी कर सकते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर कोर्स, बट एक कोर्स और है जिसका नाम है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का नाम आपने सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जिसको करके आप कंप्यूटर की और इंटरनेट की बेसिक सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बेसिक क्या, मैं कह सकता हूँ कि आप अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से करते हैं ट्रिपल सी कोर्स तो आप जनरली सभी चीज़ें कंप्यूटर की सीख सकते हैं। मतलब पता चल जाएगा आपको कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है। अगर आप एक प्रोफेशनल कंप्यूटर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल ये वीडियोस बिगिनर्स के लिए। तो आप ट्रिपल सी कोर्स कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर की लाइन में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है। ट्रिपल सी में आपको क्या क्या मिलेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मिल जाता है आपको। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री और MS ऑफिस का पूरा पैकेज, लाइक MS वर्ल्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड एक्सेस, आउटलुक, इसे सब चीज़ें आपको पता चल जाता है। इसको बोलते हैं MS ऑफिस का पूरा पैकेज। इसे ऑफिस ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं। अब कोई भी आप ऑफिस का काम करना चाहते हैं या आप अपने फैमिली के साथ अपना फैमिली बिजनेस हैंडल करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, तो आपको MS ऑफिस की नीड होती ही है। चाहे आप किसी भी लाइन में हैं, किसी भी लाइन में आपको MS एक्सेल, MS वर्ल्ड और जीमेल की आपको नॉलेज होना कंपलसरी है कोई भी काम के लिए। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो वहाँ पर डेटा एनालाइज का ज़रूर काम होता है। मतलब डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को मैनेज करना एक्सेट्रा, तो उसके लिए एक्सेल की नीड होती है। एक्सेल पर हमें कमांड अच्छी होनी चाहिए। फिर आती है पीपीटी बनाई जाती है पावर पॉइंट से, पावर पॉइंट की आपको नॉलेज हो जाती है। उसके बाद आउटलुक से हम मेल कर सकते हैं, मेल रिसीव कर सकते हैं और मेल को हम सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को इसमें मिलती हैं। इसमें और चीज़ होती है जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आपको पूरी नॉलेज हो जाती है कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं जिनको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो पहले से इंस्टॉल आते हैं, तो सब चीज़ों की आपको नॉलेज हो जाती है। और सबसे मेन बात होती है इंटरनेट। आपको पता है कि हम किसी भी कंपनी में, किसी भी शॉप पर जाएं तो वहाँ पर इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। आप छोटी सी दुकान पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी QR कोड लगे हैं इंटरनेट से पेमेंट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज भी आपको हो जाएगी कि डिजिटल क्या होता है, डिजिटल के थ्रू हम UPI के थ्रू हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम सिक्योर रह सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये एक बिगिनर के लिए कोर्स है और प्रोफेशनल के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वो किस लाइन में पर्टिकुलर इंटरेस्ट रखते हैं। ये कोर्स तो सभी के लिए है। और अगर आप साथ साथ में कोई भी और इसके ट्रिपल सी के बाद कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा आपकी लाइन के ऊपर कि आप ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हैं। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए, किस लाइन में। और साथ साथ मुझे ये बताइए कि किस लाइन में आपका इंटरेस्ट है, तो मैं आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए कोई कोर्स बताऊंगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। और मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और किस लाइन में आप जॉब करना चाहते हैं, ये भी मुझे बताइए। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।